लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसको हम सीधा एक क्वेश्चन से देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक कंपाउंड हैज 8% सल्फर बाई मास, एक कंपाउंड हैज 8% सल्फर बाई मास ये दिया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। तो कंपाउंड हैज 8% सल्फर बाई मास, फाइंड लीस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट। और सल्फर का मोलर मास दिया हुआ है 32। तो अब इसमें हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं कि सपोज वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट। हमने क्या किया है, जिस कंपाउंड का लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है उसका हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, ठीक। अब इसमें अगर मैं सल्फर देखूं तो सल्फर का मिनिमम एटलीस्ट वन एटम वहां पे होना चाहिए, एक एटम से कम हम कंसिडर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मिनिमम वन एटम मैंने कंसिडर किया, ठीक है। तो सल्फर का वन एटम यानी 32 mu होगा, और मॉलिक्यूल जो हमने माना है वो हमने उसका मॉलिक्यूलर मास मान लिया 1 mu, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो परसेंट सल्फर बाई मास क्या होगा, 32 आउट ऑफ एक्स इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि परसेंट ऑफ सल्फर इज इन द कंपाउंड इज 8%, तो इसको मैंने 8 के बराबर किया तो आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 400। तो जो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा वो 400 mu होगा, और लीस्ट मोलर मास जो है 400 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने वन एटम ही क्यों माना, ठीक है। अगर हम दो एटम मानते तो ये डबल आता आंसर, ठीक है। तीन मानते तो ये उससे ट्रिपल हो जाता। तो चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, तो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने इसमें मिनिमम कितना एटम माना हुआ है, वन एटम, तभी जो मास आएगा वो लीस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है।